ना बाहर बना रही हूँ पास्ता। ये लहसुन अदरक मैंने भूनने के लिए रखा है और यहाँ पर मैंने चिकन की भी कटिंग कर ली है, तो बाकी सब्जियाँ निकालनी है। ये दाल के ना कभी सब्जियाँ करती हूँ और पास्ता की एक शेप बॉईल कर ली है, एक ये वाली है, ये भी बॉईल करनी बाकी है। गैस इतनी कम होगी अब तन क्या मसला है। और ये वाली एक बॉईल कर ली है, तो बस मैंने कहा ये मिक्स करके बनाऊँ। तो थोड़ा सा लहसुन की खुशबू आने लगे तो इसमें हम डाल देंगे चिकन। और आज व्हाइट सॉस में सादा जो होता है वही बनाने का दिल है, तो थोड़ा सा ऑयल और डाल लेते हैं, अच्छे से भुना जाए। और गाजरें तो मैंने कट करके फ्रीज़ की हुई थी, बस वो भी निकाल के लाती हूँ। गोभी और शिमला काट लेते हैं जल्दी से, तो थोड़ी देर में बस ये रेडी हो जाएगा। गैस बहुत ही कम हो गई है तो थोड़ी सी तेज़ होना, तो पास्ता का जो दूसरा वाला पास्ता है वो भी बॉईल हो जाए, ताकि चिकन अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि किसी किस्म की ना इसमें स्मेल ना आए। चिकन वाइट तो हो गई है, थोड़ी सी और फ्राई कर लेंगे। और ये गाजरे मैंने फ्रीज करके रखी हुई थी तो इसे निकाल लूँगी। बस इतनी काफ़ी है और ये बाकी फटाफट से वापस फ्रीज़र में रख लेंगे। तो गाजरें तो हो गई हैं, चिकन थोड़ी सी और हो जाए ना, फिर सब्ज़ियाँ बीच में ही डाल लूँगी, चिकन को बाहर नहीं निकालती। और ये मैंने गाजरें डाल दी हैं, आँच मैंने तेज़ ही रखी है ताकि गाजरें पानी ना छोड़ें, क्योंकि ये फ्रीज हुई थी तो यह है कि पानी ना छोड़ दें जल्दी से। और साथ ही मैं डाल दी प्याज, एक हाथ से काम करना इंतहाई मुश्किल, लेकिन हम स्टंट दिखाते हुए वीडियो बना रहे हैं। और जब तक ये होती है मैं फटाफट से ये भी कटिंग कर लूँ। और इसमें बंद गोभी डाल दी थी और भी मैंने अभी थोड़े से टमाटर भी डाल दिए हैं। और जनाब बाद में देखा था वीडियो ही नहीं चल रही थी, तो बस इसको अभी हम फ्राई कर रहे हैं और करते जाएंगे इसको अच्छी तरह से। थोड़े से मसाले भी शामिल कर लेंगे, मसाले देसी, थोड़ी सी चटपटी सी बनाएंगे। थोड़ा मैंने सूखा धनिया डाल दिया और कुटी भी डालेंगे इसमें लाल मिर्च, और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी डालेंगे क्योंकि इससे फिर बहुत रेड रेड सा ना हो जाए, लेकिन टेस्ट को एनहेंस करने के लिए। और जनाब में डालेंगे थोड़ा सा चिकन पाउडर, इससे टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। और इसके साथ ही थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट ऑप्शनल है, अगर मर्जी हो तो डाल लें, ना हो तो ना डालें। थोड़ा सा मैं डालती हूँ, इससे ना टेस्ट मज़े का आता है। ये थोड़ा सा बिल्कुल, जनाब इसमें मैंने शिमला भी डाल दिया, शिमला मेरे पास थोड़ी सी थी, मैंने कहा इसी से काम चलाएं। और यहाँ पर मैंने मिक्स किया है सिरका, चिली सॉस, सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस, तो ये भी मैंने कहा इसमें शामिल कर दें। हिसाब किताब नहीं किया, बस अपने अंदाजे से मिक्स कर लिया सारी चीज़ें। और ये अच्छी तरह से मिक्स करके ना इनको, और इसमें अब हम डालेंगे अपना पास्ता। ये और इनको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स, मैं जल्दी से ना मिक्स करके दिखाती हूँ। और ये अच्छे से मिक्स कर ली है, अब चख भी लेते हैं इसको।
मसाले भी बिल्कुल बराबर हैं और नमक वगैरह भी ठीक है। तो जनाब ये हो चुकी है रेडी, अब खाएंगे और मौज मारेंगे। और चीज़ आजकल बच्चों का फेवरेट हुआ है, तो जब पास्ता मैंने बच्चों को डाल के दिया तो कहते हमें ऊपर चीज़ डाल के और करके, तो फिर बच्चों को डाल के तो मैंने भी डाल के ले लिया। और हाशिर साहब वैसे पास्ता तो खाते नहीं है, लेकिन नाया ने अपना चेक करवाया था कि ये देखो बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा लग रहा है, तो फिर हाशिर कहते हैं मुझे भी बना दो, तो फिर मैंने हाशिर को भी इस तरह प्लेट रेडी करके दी, तो चलो शुक्र अल्लाह का उसने भी फिर खा लिया। लेकिन यह था कि बीच में से सब्ज़ियाँ चुन लो, तो फिर मुझे सारी सब्ज़ियाँ जो शिमला और गाजर डाली थी वो चुन के उठानी पड़ी और फिर उसने खाया। थोड़ा सा चीज़ डाल के ना मैंने इसको ग्रिल कर लिया है, माइक्रोवेव में ग्रिल का ऑप्शन था उसी से किया, कलर शलर तो नहीं आया, लेकिन यह कि चीज़ मेल्ट हो गई है। तो अच्छा सा थंबनेल बना लें। चावल मैंने भिगोए हुए थे और चावल बॉयल करने के काले चने पके हुए पड़े हैं, मैंने कहा उन्हीं के साथ चावल बॉईल कर लूँ। यहाँ पर बना रही हूँ चाय, चाय पीने का इरादा नहीं था लेकिन तो उन्होंने बिस्किट भिजवा दिया, तो मैंने कहा चलो फिर चाय बना ही लें, तो चाय बना रही हूँ फिर चाय पियेंगे। बारिश शुरू हो गई हल्की हल्की, है ना, ये हमारी काम वाली कपड़े उतार रही है। जाओ रखो, जाओ रखो। और हमने तो जनाब खा लिया था दिन को जब बनाया था तभी, और अभी बस भेज रही हूँ उस बैर के लिए, बच्चे थोड़ा सा खाएंगे और फिर सोएंगे, तो उस बैर के लिए गरम गरम तो कर लिया, लेकिन माइक्रोवेव में भी रखा थोड़ा सा ना, इसको कर लूँगी ताकि सही तरह से हो जाए। और हम पियेंगे जनाब पानी, क्योंकि कोई भी चिकन वगैरह वाली चीज़ खा के ना सही फिर प्यास लग जाती है, तो पानी पी लेंगे। चावल मैंने बॉईल किए थे लेकिन चावल किसी ने भी नहीं खाने, उनको भी बस अभी उठा के फ्रिज में रख दूँगी। गर्मी आ गया तो मैंने कहा अपनी पानी की इनटेक ना ज़रा अच्छी करें, तो ये जो बड़ा वाला कप होता है ना मग, ये मैंने कहा दिन में 3 से 4 लाजमी पीने हैं। अब क्या हो गया, और ये नाया भी खाना खाने लगे, कल बच्चों ने जाना है स्कूल, तो बस इनको खाना शाना खिला के अभी सुलाऊंगी और फिर मैं देखती हूँ कपड़े वगैरह आयरन करने हैं वो करूँगी, और साथ फिर इनके लंच बॉक्स की भी तैयारी कर लूँगी, क्योंकि अब मैं कह रही हूँ अपनी रूटीन ज़रा वापस सेट करूँ और लंच बॉक्स की तैयारी ना इनकी पहले से करके रखा करूं। और आज दिन को मैंने पास्ता बनाया था तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया है, तो फिर मैंने रात को रोटी नहीं खाई, मैंने कहा चलो दिन को ज़रा काम हैवी हो गया है तो रात को छोड़ देते हैं रोटी। तो यहाँ पर अब ज़ुबैर साहब ने क्या किया कि 11-12 के करीब ज़ुबैर को लगी भूख और कहते हैं कि मुझे दो चने और चावल, मैं चने और चावल खाऊं। भूख तो नहीं लगी, खैर दिल कर रहा था, तो फिर जब ज़ुबैर को दिया तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं, फिर मैंने भी जो बचा पास्ता पड़ा था मैंने भी वो गर्म करके खाया, मैंने कहा चलो जी सारे पे पानी फिर गया। जो पैनकेक का बैटर मैंने रात भी बना लिया था, मैं सुबह लंच में पैनकेक्स बनाऊँगी।
पैनकेक्स और बस जनाब यहाँ पे बच्चों का लंच बॉक्स हो चुका है रेडी और आज सिर्फ पैनकेक्स ही दिए थे और इसके साथ में नाश्ते में भी हाशिया को एक बड़ा सा पैनकेक बना दिया था और साथ दूध दे दिया था और नाया को सिर्फ दूध, वो भी बड़ी ही ज़बरदस्ती और मुश्किलों से। तो बस आज पता नहीं क्यों ये जो बैटर था ना ये स्टिक हो रहा था, या तो बैटर में कोई मसला था या फिर इस पैन में कोई मसला था। नाश्ता भी रेडी हो गया बच्चों का और आज से डिसाइड किया था हमने कि बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए खुद ही जाया करेंगे और सुबह मतलब बच्चों को ड्रॉप वगैरह करके स्कूल से वापसी पे अगर कोई काम हो तो वो कर लिया और या तो फिर पार्क चले गए वॉक वगैरह करके आगे। तो अब इरादा तो किया है अल्लाह ताला हमारे इरादों को मजबूत रखें क्योंकि इरादा हम अक्सर करते हैं लेकिन हफ्ते डेढ़ हफ्ते में ही हमारी ना बस हो जाती है। तो बस यहाँ पर बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया था, उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे पार्क में और जुबैर हमारे एरिया में ही पार्क है, बच्चों को अक्सर यहाँ पे लाते रहते हैं। तो यहाँ पर खैर हमने काफ़ी देर वॉक की थी और एंड में तो बस हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी लेकिन हमने कहा नहीं अपने ना जो 10 राउंड्स हैं ना वो कंप्लीट करने और किए थे और उसके बाद फिर और बस जनाब इसके बाद जाना था हमने बैंक। डेबिट कार्ड आया हुआ था काफ़ी दिनों से और मैसेज आया कि ना मैं पागल हो गई थी तो फिर हमने कहा चलो जाके पिक कर लें क्योंकि ये वाला कार्ड जो पुराने वाला है वो भी नहीं चल रहा और अक्सर होता है कि बंदे के पास कैश नहीं होती तो इससे पहले कि कहीं पर अच्छी खासी ना बेइज्जती हो जाए तो कार्ड पिक करके ले ही आएँ क्योंकि अक्सर कार्ड ही यूज़ करना होता है। तो बस यहाँ पर हम चले थे चट्ठा क्योंकि मेरा जो बैंक की ब्रांच थी वो यहाँ पर थी। तो जनाब इस्लामाबाद में एंटर होते ही ना आँखों को सकून आ जाता है, हर तरफ ग्रीनरी, सब दरख्त और आजकल तो पर्पल फूल निकले हैं दरख्तों पर, तो इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना कि बस बंदा कहता है देखता ही रहे उनको हर वक्त। ये है कि कैमरे में कैप्चर नहीं होता वो चीज़ जो हम ना असली आँखों से देख सकते हैं। और बस जनाब यहाँ पर बस अब हम नज़दीक ही पहुँचने वाले थे और सुबह सुबह रोड्स पर इतनी अफरा तफरी होती है ना, इस साल लग रहा होता है शायद जंग की सूरत हाल हो, हर कोई इस चक्कर में होता है कि बस पहले मैं निकल जाऊँ पहले मैं निकल जाऊँ और अक्सर इस चक्कर में ना लोग पूरी पूरी ट्रैफिक को जैम कर देते हैं और ज़रा सा गलत हो गए और बस फिर उसके बाद बैठे रहो खुद भी और बाकी सब भी बैठे रहे। और अभी बैंक खुलने में थोड़ा सा टाइम था, 15-20 मिनट थे, तो हम लोगों ने कहा चलो यहाँ से नाश्ता वगैरह ले लें। और जब यहाँ पे हम रहते थे तो तब यहाँ के चने ना हम खाते होते थे इस जगह के, बड़े ही मज़े के होते थे। और पिंडी में मुझे फ्राई चने कहीं पे इतने ख़ास कहीं से भी नहीं मिले तो यहाँ पर आए थे तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं और आज फ्राई चनों का नाश्ता करेंगे। तो बस यहाँ पर हमने चने वगैरह लिए, उसके बाद फिर हम लोग चले गए जाके बैंक के सामने, थोड़ी देर वेट किया। पहले मैंने सोचा रिमशा की तरफ चली चलें और ना उससे भी मुलाकात हो जाएगी और जो टाइम वेट करना है वो भी वहाँ पे गुजर जाएगा। फिर मैंने कहा वो सो रही होगी, क्या डिस्टर्ब करना अब सुबह सुबह, तो छोड़ो। फिर हम लोग बस यहाँ पर ही वेट किया और जब बैंक खुला अपना काम शाम करके तो आए और उसके बाद फिर तो बस जनाब इसके साथ ही आज का व्लॉग एंड करूँगी। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और वीडियो बनाने के चक्कर में यहाँ पर मैं किसी और की गाड़ी के पास आके खड़ी होगी।